हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचर चैनल। तो यहाँ पर काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ, जब हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आता है, तो एनटीए साथ में एक जो है कंप्लीट अपना नोटिफिकेशन रिलीज करता है, कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें ए टू जेड हर चीज बिल्कुल क्लियर दी रहती है। तो ये जो ये पीडीएफ है काफी ज्यादा पेजों की है, 100 से 150 पेजों की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें एक यहाँ पर ये नोट मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है, पहली बात तो मैं बता देती हूँ, बिल्कुल ये ऑफिशियल है, कोई इधर उधर का नहीं है। आप चाहे तो एनटीए की वेबसाइट पर जाकर ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें लिखा हुआ है, द एनटीए इज प्लानिंग टू डू द यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन इन ए सिंगल शिफ्ट, यानी कि जो है प्रयास जो है यहाँ पर कोशिश करेगा, प्लान कर रहा है कि जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का एग्जाम है वो एक ही शिफ्ट में करवाया जा सके, एक सब्जेक्ट का। यानी कि जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊ, जैसे हिंदी का एग्जाम है, स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से जो है यहाँ पर दो शिफ्ट में आपका एग्जाम करवाया जाता है क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट है। बाकी बहुत सब्जेक्ट है जिसमें दो शिफ्ट में करवाया जाता है, बहुत सब्जेक्ट है एक ही शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एनटीए प्लान कर रहा है कि सिंगल शिफ्ट में आपका एग्जाम हो सके, फॉर ईच लैंग्वेज सब्जेक्ट जनरल टेस्ट, ठीक है। तो फिर यदि कि हमारा एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इफ एनी सब्जेक्ट इज कंडक्ट इन मल्टी शिफ्ट, यानी कि यदि किसी सब्जेक्ट का एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा तो देन नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा 100% यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये नोट है ये हमें बता रहा है कि यदि यहाँ पर जो ये चीज लिखी हुई है ना, द एनटीए इज प्लानिंग टू डू द यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन इन ए सिंगल शिफ्ट, तो यदि सिंगल शिफ्ट में वो प्लान कर रहा है, मान लीजिए हिंदी के पिछली बार 80,000 के लगभग बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, तो ज्यादा स्टूडेंट थे, ठीक है। हो सकता है इस बार आपका पेपर एक ही शिफ्ट में करवाया जाए। अगर आपका पेपर एक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जब होता है किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम जो है एक से ज्यादा शिफ्ट में करवाया जा रहा है, जब मल्टी शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि यदि सभी सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही शिफ्ट में करवा लिया जाए, कि हिंदी का जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में करवा लिए, एक सब्जेक्ट का इवनिंग शिफ्ट में करवा लिए, इसी तरह तो हमारा क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन से हम बच जाएंगे। और यदि वही हर बार की तरह दो शिफ्ट में हुआ तो फिर तो नॉर्मलाइजेशन हो गई। ऐसे एक बार पहले भी हुआ था कि आपके एक ही शिफ्ट में एग्जाम करवाया गया था सब्जेक्ट वाइज, तो फिर हम नॉर्मलाइजेशन से बच गए थे, ठीक। तो यहाँ पर ये नोटिस है और ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मानकर चल सकते हैं कि क्या पता इस बार जो है, मैं हमेशा कहती हूँ ये एनटीए और एनटीए कुछ भी कर सकता है। तो ये काफी हमारे लिए पॉजिटिव जो है यहाँ पर पॉइंट है, हमारे लिए काफी अच्छा है अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन आप ये 70% ही मानकर चलिए, 100% ऐसा देखते हैं होगा या नहीं, लेकिन हाँ उम्मीद जताई जा सकती है कि इस बार हम नॉर्मलाइजेशन से क्या पता बच जाए। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहो, फोकस रखो, ठीक। तो यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है बता दिया, बाकी यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है ये चीज भी कि अगर किसी सब्जेक्ट का मल्टी शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, ये चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी जब हमारे एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो हमें पता चल जाएगा। उससे पहले जब सब्जेक्ट वाइज डेट आएगी उसमें पता चल जाएगा कि सभी सब्जेक्ट के एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो रहे हैं, या जो ज्यादा जिसमें ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, जैसे कॉमर्स हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो उसमें जो है यहाँ पर दो शिफ्ट में होता है एग्जाम, एक ही शिफ्ट में, वो हमें जब ही पता चल पाएगा जब सब्जेक्ट वाइज जो है हमारी एग्जाम डेट आएगी, ठीक है। ये जो है पर जो मैंने आपको ये लिखा हुआ है ये बिल्कुल ऑफिशियल है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि एक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और दो शिफ्ट में होगा, एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। ये मैं आपको, देखो ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये एनटीए की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, कुछ बच्चे कह रहे थे नेगेटिव मार्किंग होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी, वो भी जो है यहाँ पर ये रहा, देखो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 ये एनटीए ही जारी करता है जिसमें पूरी जो है इंफॉर्मेशन रहती है,
ये पूरा कंप्लीट जारी होता है, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगी। यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर वे में मिल जाएगा। जैसे ये आपके एग्जाम फॉर्म आए, ये तो आप देख ही चुके हैं। एग्जाम कब होगा हमारा? 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के बीच में होगा। समय कितना होगा? 3 घंटे का समय होगा, यानी 180 मिनट। कोई भी ब्रेक नहीं होगा। पेपर 1 पेपर 2 में 2 सेक्शन हो गए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। कंटिन्यू 3 घंटे का समय होगा, आपको अपना पेपर देना होगा। ठीक, उससे अलग यहाँ पर मैं एक चीज और आपको दिखाना चाह रही थी, 1 मिनट। ये रहा, बच्चे पूछे थे एग्जाम कैसे होगा, तो एग्जाम ऑनलाइन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल लिखा हुआ है, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी मोड पर होगा, आपका पेपर ऑनलाइन होगा। ठीक, उससे अलग। हाँ, यहाँ पर देखो ये रहा, क्लियर लिखा हुआ है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, जो हमें ये कंफ्यूजन रहता है ना कि नेगेटिव मार्किंग होगी दिसंबर में, यहाँ पर ऑफिशियल मैंने आपको दिखा दिया, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है, इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो ये नोटिस है, जो ये नोट दिया हुआ है, ये भी मैं हमने आपको क्लियर कर दिया। इसमें लिखा हुआ क्या है, क्या यहाँ पर बातचीत हो रही है। ठीक है, और ये पॉसिबल भी है, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि हर सब्जेक्ट का एग्जाम सिंगल शिफ्ट में ही हुआ था। ठीक, साथ ही यहाँ पर जो बच्चे यूजीसी नेट हिंदी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर फ्री बैच हमारा चल रहा है, शाम को 4 बजे डेली लाइव क्लास होती है, यूनिट 6 हिंदी उपन्यास हम पढ़ रहे हैं, पूरा शेड्यूल ये रहा। और मैंने आपको मैराथन क्लास करवाई है, यूनिट 1 से 5 की कंप्लीट एमसीक्यू मैराथन क्लास करवा चुकी हूँ। कल सुबह 10 बजे से हमारी यूनिट 6 से 10 की मैराथन क्लास होगी, कंप्लीट यहाँ पर एमसीक्यू होगी, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन रहेंगे, तो आ जाइएगा, क्लास बिल्कुल फ्री है, इसी यूट्यूब चैनल पर होगी, सुबह 10 बजे होगी, नॉन स्टॉप 8 घंटे ये हमारी क्लास चलेगी। बहुत अच्छे लेवल के आपको यहाँ पर एमसीक्यू मिल जाएंगे। साथ ही यदि आप इस बार दिसंबर वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इन प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, काफी यूनिट बिल्कुल फ्री में आपको कंप्लीट करवाई हुई है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। यदि आप पीवाईक्यू करना चाहते हो, तो पीवाईक्यू भी आपको यूनिट वाइज भी और ईयर वाइज भी मैंने आपको सोल्व करवाए हुए हैं, जाकर आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक, साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, 21,000 मेंबर इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको ये बताया, एनटीए का जो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया, इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगी, वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। और एनटीए की जो भी अपडेट आती है, यदि आप एनटीए की सारी अपडेट रखना चाहते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आप रखना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो। यदि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो, तो चैनल को शेयर करना ना भूले। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है एनटीए नेट एग्जाम को लेकर, तो आप इंस्टा पर हमारा पेज है हिंदी विद रिचा, वहां पर आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हो। साथ ही इसी वीडियो के नीचे भी यदि आपका कोई डाउट है, तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके रिप्लाई में आपको जवाब मिल जाएगा, आपके डाउट का समाधान किया जाएगा। न्यूज आपको यूजफुल लगी, आपको हमारे चैनल से हेल्प हो रही है, हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारी क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।